Hello students, let us start with our new chapter, chapter number 1, science, chemical reaction and equation. Actually अभी तक हम लोगों के 3 chapters maths के complete हो गए हैं 1, 2, 3 और science में 2 chapter हो चुके हैं, एक bio का life process, एक physics का करंट इलेक्ट्रिसिटी और अब हम लोग केमिस्ट्री का एक ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. चलिए केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन हम लोग कहाँ देखते हैं. डेली रूटीन लाइफ में ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जहां पर हमें केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती है. डेली में अगर बात करो तो डाइजेशन पढ़ा ना कभी, ये कैटलिस्ट एक्ट करता है, ये ब्रेक डाउन होता है, ऐसा वैसा हम पढ़ चुके डाइजेशन. रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू गिव CO2 प्लस H2O या लैक्टिक एसिड का बनना, ये सब क्या है, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6, ये भी एग्जाम्पल हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन का. हम लोग सब्जियां बनाते हैं घर में, कुकिंग करते हैं, खाना बनता है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, आपने रॉ फूड लिया, उसे जब हीट किया तो उसका पूरा शेप, साइज, टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है. दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉरी ड्यू टू अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन. मिल्क गेटिंग कन्वर्टेड इन टू कर्ड, तो मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. तो डेली में अगर अपन लोग एग्जाम्पल दें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं. मम्मी डोसा वगैरह बनाती है, उसमें हम लोग जो फ्लोर आटा लेते हैं, जो भी बनाया जाता है, डो जिसे बोलेंगे अपन लोग बनाते हैं, उन सब के अंदर फर्मेंटेशन अगर होता है तो ये फर्मेंटेशन दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज जो हम टॉपिक एक ही टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, दैट टॉपिक इज How can we say that chemical reaction has occurred? हम कैसे बोलेंगे कि chemical reaction occur हुई? How can you say that a chemical reaction has occurred? We can say it by following observation. ये observation आप लोग लिखेंगे. First, change in state. Second, change in color. थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर. चेंज वाले हमारे पास 3 है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और एक है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस. इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अकर्स, अगर एक भी ऑब्जर्वेशन अकर होता है, एक या एक से ज्यादा चले कोई मनाई, कम से कम एक चाहिए, है ना, एक ऑब्जर्वेशन भी अकर होता है, देन वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन अकर. क्या बोला हमने, या तो चेंज इन स्टेट हो जाए, जो भी हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं उस रिएक्शन में उसकी स्टेट बदल जाए तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन अकर हुई, या हम बोलेंगे चेंज इन कलर, जो भी आपने ऑब्जर्व किया था यहां से आपने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करी थी उसका कलर बदल गया तो हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई इसलिए कलर बदला, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐसी गैसेस निकलना चालू हो गई तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है. और फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, जिस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब को जब हम छुएं तो या तो वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई या वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज. तो चेंज इन टेम्परेचर कैन बी कंसिडर्ड एज द ऑब्जर्वेशन फॉर टू शो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन अकर्ड. तो पहला कि हाउ कैन यू से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये चार हो गए. अब फर्स्ट चेंज इन स्टेट, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली हमें
यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, हर एक एक्टिविटी अपने आप में इन सबका आंसर है। तो हम लोग एक एक एक्टिविटी पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। टेक अ मैग्नीशियम रिबन, एक्टिविटी चल रही है। टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड ब्रिंग इट नियर अ बर्निंग कैंडल, इट विल बर्न, द मैग्नीशियम रिबन विल बर्न विथ अ डेजलिंग फ्लेम, है ना, इट विल बर्न विद अ डेजलिंग, DAZZLING, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू, व्हाइट पाउडर। जो व्हाइट रिबन थी, जो रिबन थी वह व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गई, उसने अपना स्टेट चेंज करा। स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस का ही होना कंपल्शन नहीं है, वो रिबन थी, रिबन से व्हाइट पाउडर में बदल गई, ये भी उसका स्टेट चेंज होना ही कहलाएगा। क्या करा हमने, एक मैग्नीशियम रिबन ली, उस रिबन को हम लोग बर्निंग फ्लेम के पास में लेकर आए, जैसे ही वो जली तो वो कैसे जली, इट बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम, चिचर करती हुई, है ना, ऐसी आवाज आती हुई, तीखी एकदम शाइनी डेजलिंग वाइट फ्लेम हमें वहां पर नजर आई, और उसके बाद में वो कन्वर्ट हो गया इनटू वाइट पाउडर। तो ये पहला हुआ चेंज इन स्टेट। मैं आपको एक एक एक्टिविटी समझा रही हूँ, उसमें कुछ कलर्स वगैरह आ रहे हैं बीच में, वो कैसे जला ये पार्ट आ रहा है वो आपके लिए मेन रहेगा जो आपको लर्न करना है, ठीक। उसके अलावा हमारे पास में है कि भाई एक क्वेश्चन क्या आता है कि व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, इट इज रब्ड विद अ स्क्रैप पेपर और क्लीन पेपर, मतलब जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसे हम लोग पहले थोड़ा सा रगड़ते हैं, रब करते हैं, साफ करते हैं, और उसके बाद में हम उसे बर्निंग कैंडल के पास में लेकर जाते हैं। तो why it is rubbed, है ना, मैं आपको क्वेश्चन भी बताते जा रही हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, उसका आंसर ये फॉर, फिर हर एक का एक एक एक्टिविटी से हमें शो करना है, तो वो रही आपकी एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में भी एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को हमें पहले रब करना पड़ता है विद अ पेपर, है ना, कोई पेपर बोलता है, कोई क्लॉथ बोलता है, लेकिन हाँ हम उसे रब करते हैं बिफोर ब्रिंगिंग इट नियर टू अ बर्निंग कैंडल। व्हाई, इट इज बिकॉज द मैग्नीशियम रिबन हैज सम डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स ओवर इट्स सरफेस, है ना, मैग्नीशियम रिबन के सरफेस के ऊपर थोड़ा डस्ट, थोड़ा सा डर्ट जो है वो प्रेजेंट है। टू रिमूव दिस डस्ट पार्टिकल सो डैट द मैग्नीशियम रिबन कैन ईजीली गेट बर्न, क्या कर रहे हैं हम लोग, डस्ट पार्टिकल अगर हमने उसके ऊपर से हटा दिया है तो अब ये मैग्नीशियम रिबन ईजीली बर्न हो पाएगी, रिएक्ट कर पाएगी। रिएक्ट कैसे कर रही है वो तो हमने लिखा ही नहीं, चलिए रिएक्शन क्या थी, तो दिस मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर टू गिव MgO। अभी फिलहाल आप ये 2-2 भी लिख लो साथ में, ये बाद में अपन अभी नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि इन्हें बैलेंस कैसे करते हैं, अभी फिलहाल ऐसा। तो मैग्नीशियम रिबन इज Mg एंड जो हमारे पास व्हाइट पाउडर बना दैट इज MgO, क्लियर, दोनों चीजें हो गए, एक हो गया Mg और जो व्हाइट पाउडर है वो कौन है Mg। कितने सारे आंसर हुए एक ही में, पहला एक्टिविटी बताइए, एक्टिविटी बता दी। दूसरा क्वेश्चन, हम उसे रब करते हैं क्लीन वो, हाँ व्हाइट, सॉरी मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, व्हाई, तो आंसर है टू रिमूव द डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स। तीसरा क्वेश्चन, रिएक्शन क्या करूं वो बताइए, तो हमने बोला Mg plus O2 gives MgO। चौथा क्वेश्चन, व्हाइट पाउडर किस चीज का है, तो व्हाइट पाउडर किस चीज का है, व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है, व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम
ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो हमें आंसर देना है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ व्हाइट पाउडर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इतनी सी लाइन में से मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बता दिए, है ना। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन को समझिए कि क्या क्या वो लोग पूछ सकते हैं, उसके हिसाब से अपने आंसर को तैयार करें। चलिए सेकेंड है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में हमारे पास में रहेगा डेफिनेटली आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत सारे नए नाम फॉर्मूलेस ये सब आप लोगों को लर्न करना पड़ेंगे। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इट इज लेड नाइट्रेट कंबाइंस विथ पोटेशियम आयोडाइड। बराबर वर्ड्स लिखना, गड़बड़ मत कर देना। पोटेशियम आयोडाइड गिव्स PbI2, दैट इज लेड आयोडाइड प्लस KNO3, इट इज पोटेशियम नाइट्रेट। बैलेंस करेंगे दो, बैलेंसिंग मैंने आपको बोला अपन बाद में सीखेंगे, अभी खाली आप लोग लिख लीजिए क्या हुआ। लेड नाइट्रेट कंबाइंस विथ पोटेशियम आयोडाइड टू गिव लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये है PbNO3 होल ट्वाइस। समझ में आएगा, देख यहां पे तो अब कर देते हो, आपका काम हो ही गया, ये भी समझ में आ गया है। PbNO3 नाइन्थ में हम लोगों ने वैलेंसीज लर्न करी थी। पीबी कैसा होता है, पीबी इज 2 एंड NO3 इज -1, है ना। इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया PbNO3 होल ट्वाइस। वैलेंसी जब लेते हैं तो हम प्लस माइनस नहीं गिनते, ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस माइनस गिना जाता है, कौन ले रहा है कौन दे रहा है उसके हिसाब से। खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस नहीं काउंट आउट करना, PbNO3 होल ट्वाइस। अब KI थोड़ा सा आप लोगों को नाइन्थ में पीरियोडिक टेबल लर्न करने का बोला था, पता नहीं मुझे कितनों को याद है और कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं 2-4, तो डेफिनेटली याद तो होगा नहीं। पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करना है, हमें अभी चाहिएगा आगे चैप्टर्स के लिए, चैप्टर नंबर शायद 5 के अंदर हमें काम रहेगा। हाँ चैप्टर नंबर 5 में, बराबर चैप्टर नंबर 5 में हमें पीरियोडिक टेबल चाहिएगा। थोड़ा थोड़ा लर्न करना चालू करिए, एकाधिका लर्न होगा। बताया भी था मैंने पहला हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम, ये पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करना है वो याद करवा रही हूँ। जिस दिन जो याद आ जाएगा वो कर लेने का, क्योंकि पढ़ना तो है ही। नाइन्थ वाले जो लोग पहले थे साथ में थोड़ा याद आएगा, ली ना की रब से फरियाद, क्या लर्न करना है। पहला नंबर हाइड्रोजन का, दूसरा नंबर हीलियम का, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद ली ना की रब से फरियाद, इतना याद होगा। फरियाद मतलब कुछ मांगना, क्या मांगा उसने, बेटा मांगे कार। बेटा क्या मांग रहा है, कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप
राजी। हमारे काम का अभी टेंथ में यहाँ तक आया है, यहाँ तक हमारे 20 एलिमेंट्स होंगे, पूरा याद करवाऊंगी धीरे धीरे। अभी फिलहाल खाली ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन मतलब सारे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी है वन, ग्रुप टू मतलब उनकी वैलेंसी है टू। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो फिर आपको ये समझ में आना चालू हो जाएगा कि जैसे मैंने MgO लिखा, तो MgO ही क्यों लिखा, क्योंकि Mg की वैलेंसी देखो Mg कितनी है, टू। बाद में अभी अपन आगे जाएंगे तो पता चलेगा ऑक्सीजन की भी है टू, क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज Mg2O2, टू टू जरूरत ही नहीं है। क्या आंसर आ गया, MgO। ये फॉर्मूलेस आप लोग बना पाएंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम किसको वन लेते हैं किसको टू लेते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आना चालू हो जाएगी तो आपकी वहां पर गलती होना बंद हो जाएगी। तो इसलिए इस पार्ट को भी अपना लेकर चलो कि हाँ हमें लर्न करना है, ठीक है। टोटल हमारे पास में 18 है लाइन्स, उनमें से हम 1-2 और फिर 13 से 18 तक लर्न करते हैं। बीच का 3 से लेके 12 तक हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज डी ब्लॉक। वो 11 12 वो भी 12 का काम है बाद में। अभी फिलहाल ली ना की डबसे फरियाद। ली इज लिथियम, एन ए इज सोडियम, के इज पोटेशियम। जो हमारे काम का है उतना करवा रही हूँ। लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसके बाद है रुबिडियम सीजियम फ्रॉन्शियम। ये अभी मैंने भी दोगे तो चलेगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम इधर चलेंगे। बेटा मांगेकार बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक। आज इतना ही काम करिए, इतना बहुत है। ये है स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम, ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम। फाइन, क्या बता रही थी मैं उस पर चलते हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा के के किस में आया, फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में आया मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, वन। तो ये आप लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आना चालू होगा कि पोटेशियम वन है, आयोडीन भी वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया, के आई। अब अगला क्या करा हम लोगों ने, ये पीबी को आई के साथ भेज दिया। देखिएगा पीबी और आई, पीबी कितना है, टू, आई कितना है, वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आया, पीबी आई टू। देखो मैंने लिखा है पीबी आई टू, है ना। अब कौन बचा, के और एनओ थ्री, होल ट्वाइस नहीं, के ये ट्वाइस तो अपन ने क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे पीबी के साथ बैलेंस किया था, वरना ये पीबी और एनओ थ्री था, है ना। ये अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो ये टू नीचे आ गया। के और एनओ थ्री, के कितना है, वन, एनओ थ्री भी कितना है, वन, ना आंसर आया के एनओ थ्री। कॉन्सेप्ट पे चलिए, आप लोगों को प्रॉब्लम कम होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पहले दिन आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा, बट धीरे धीरे करके आधार डालिए। दूसरा वो वहां मेरे पास जगह नहीं थी, ये लिखने का तरीका सही नहीं है, फिर भी आई हैव फॉलोड द रूल। जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं दे शुड बी प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये इसको मैंने एक साथ ले लिया, पीछे पीछे वाले को साथ में ले लिया। इट इज पीबीआई टू प्लस के एनओ थ्री, बैलेंसिंग मैंने अभी आपको नहीं सिखाई। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। अगर जगह खत्म हो जाए तो भी आप राइट को लेफ्ट में लेकर नहीं आएंगे, राइट को राइट में ही कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्या पढ़ रहे थे और कहाँ पहुंच गए, हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में हमें चार तरह के ऑब्जर्वेशन है। चेंज इन स्टेट, उसका एग्जांपल मैग्नीशियम रिबिन ले लिया। चेंज इन कलर, कलर के लिए मैंने अभी आपको क्या लिखवाया कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इन दिस
द पीबीआई टू इज फॉर्म्ड विच इज ऑफ येलो कलर। पहले हमारे पास में कलरलेस था, कोई कलर नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही रिएक्शन अकर हुई, क्या करा हम लोगों ने लेड नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला, ऐसे ऐसे हिलाया। जैसे ही हिलाया कलर क्या हो गया, येलो। तो ये येलो कलर का आना अपने आप में शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। ठीक। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग थर्ड पॉइंट के लिए ले रहे हैं। टेक जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ बीकर टेस्ट ट्यूब, जो भी हम बोले, जिंक के ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे पीसेस जिंक के हमने अंदर डाले। नाउ एड HCl, कौन सा HCl? डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड टू इट। रिएक्शन लिखते हैं, जिंक प्लस HCl क्या देगा? Zn और Cl रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म ZnCl2, और साथ में हमारे पास में निकलेगा हाइड्रोजन। इसी के साथ इवोल्यूशन हुआ, हाइड्रोजन गैस है जो बाहर की तरफ निकली। ये हमारा थर्ड पॉइंट जिसे हमने बोला इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये है जिंक, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन। उसके अलावा ध्यान रखना कि ये कैपिटल स्मॉल आप लोग क्या करते हो, HCl, डोंट यूज दिस। मुझे ये नहीं चाहिए कि आपने C और N कंबाइन कर दिया। आपका C और आपका N अलग अलग दिखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि जिंक, क्या जिंक लिखा मैडम, देखो आपसे भी को भी लिखना नहीं आता। तो भैया ये जिंक का सिंबल नहीं है, जिंक का सिंबल बेचारे का ये है, इसको ये ही रहने देना है ना। कई लोगों को मैंने बोला एमजी, ओह क्या एमजी, ऐसा एमजी बनता है कि बस दिल खुश हो जाए। गलत तरीका है, एम जी अलग अलग लिखिए, कैपिटल स्मॉल सब अलग लिखना चाहिए। क्लोरीन Cl, अभी ऐसा अलग Cl नहीं लिख देना, और स्मार्ट बंदे तो और ऐसा लिखते हैं, ओह मैम एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, जीरो मिलेगा। तरीके से ऐसा लिख कर देना, ठीक है, कोई स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। फाइन, नेक्स्ट फोर्थ वाला, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम लोग लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोला जाता है क्विक लाइम, चूना जो अपन दीवारों पे लगाते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, वो चूना, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग पानी में डाल रहे हैं, पानी में डालते ही हमें मिलेगा CaOH होल ट्वाइस। हाँ, इसका प्रॉपर नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। ये और वापिस भी आएगा, एक और बार आएगा ये पढ़ने के लिए। CaOH होल ट्वाइस इज स्लेक्ड लाइम, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे नाम है आप लोगों को लर्न करने के लिए। एंड एट दिस टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो इसका मतलब है हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। देखो चूना हम लोगों ने रखा, अब उसमें पानी डाला। अब चूने में पानी डालने गए तो क्या होगा, जैसे जैसे हम पानी डालते जा रहे हैं उसमें से गर्म, तेज, इतना तेज गर्म पानी है कि भाप, वाटर वेपर्स एकदम स्टीम के फॉर्म में निकलना चालू हो जाए। थोड़ा सा जोर से डाल दिया तो पता चला गर्म पानी का छीटा उड़ के आपके हाथ में ही लग गया। इसलिए हम लोग पहले चूना रख के पानी नहीं डालते, पहले पानी भरा जाता है और वो पानी भरने के बाद हम लोग उसके अंदर चूना डालते हैं।
इसलिए कि चूना डाल के जब तक रिएक्शन होगी तब तक हम लोग पीछे हट जाएंगे, अपने को पानी बॉईल होता हुआ उसके अंदर नजर आएगा। नॉर्मली अगर हम लोग उसके अंदर ये प्लास्टिक वगैरह का कोई टब ले लें तो वो तो फट ही जाएगा, इतनी हीट उसके अंदर से जनरेट होती है। इसीलिए जब भी कोई वाइट वॉश करने वाला आता है तो वो एक अपने साथ तगारा इतना बड़ा लेकर आता है, है ना। वो इसीलिए इस तरह का तगारी होती है, उन लोगों का इतना बड़ा वैसल होता है, वो प्लास्टिक का नहीं है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो वो एकदम फटेगा नहीं, और वो लोग कम कम डालते हैं, उन्हें पता है कितना अमाउंट लेना है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, या हम बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इतनी हीट जब इवॉल्व हुई तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ गया, हम बोलेंगे देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। आज इतना ही बढ़िए, बहुत सारे नाम आप लोगों के पास आ गए हैं, प्रॉपर तरीके से नाम लिखिए और लर्न करिए, सबके कलर्स, सबके नाम, सबके फॉर्मूलेस कंपलसरी है आप लोगों को लर्न करना। चलो बाय।